दिल्ली में चल रही पानी की किल्लत की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, जहां सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को हरियाणा के रास्ते दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि दिल्ली वालों को अब पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामने आया है, तब से ही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हरियाणा पर दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश का आरोप लगा रही हैं। आतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का निरीक्षण करते हुए भी हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के साथ एक आपातकालीन बैठक करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल से समय मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक पोस्ट में आतिशी ने इसकी जानकारी देते हुए वजह भी बताई है। आतिशी ने पोस्ट में लिखा कि हरियाणा द्वारा मुनक नहर से छोड़े जा रहे अपर्याप्त पानी के बारे में अवगत कराने के लिए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से एक आपातकालीन बैठक के लिए समय मांगा गया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली को सीएलसी और डीएसपी उप नहरों के माध्यम से मुनक नहर से 1050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये घटकर 840 क्यूसेक हो गया है। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी नहर के पानी पर निर्भर है। अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ती है तो 1-2 दिनों में पूरी दिल्ली में पानी की स्थिति खराब हो जाएगी। आतिशी ने कहा कि बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और स्थिति को सुलझाने का अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में आतिशी ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए समझौते के अनुसार हरियाणा को प्रतिदिन मुनक नहर से दिल्ली के लिए 1050 क्यूसेक पानी देना है, लेकिन 1 जून से हरियाणा सरकार लगातार पानी का फ्लो घटा रही है। 7 जून को मुनक नहर से दिल्ली को आ रहा पानी मात्र 840 क्यूसेक था। आतिशी ने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार गंदी राजनीति करते हुए दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रही है। आतिशी ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने सही मात्रा में पानी नहीं छोड़ा तो अगले 2 दिन में दिल्ली की जल समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील की है कि वे इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए गंदी राजनीति न करें और दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे। बहरहाल अब देखना होगा कि आतिशी के इस अनुरोध पर LG विनय कुमार सक्सेना कब आपातकालीन बैठक के लिए आतिशी को समय देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।